उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख समेत टीएमसी के कई नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा करने के आरोप लगाए। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। ये लोग अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर ये आदिवासी हैं, कुछ हिंदू महिलाएं भी हैं। अब सोचिए कि इनके परिवारों पर इन पर क्या गुजर रही होगी। इतने सालों से ये दर्द जो ये लोग झेल रहे हैं। ममता तो मशाल लेकर निकलती है और कहती है कि वो महिलाओं के हित में काम कर रही हैं, वो खुद एक महिला है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इन दिनों आग में झुलसा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और जब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनके खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद ये मामला सड़क से लेकर विधानसभा तक गूंजा। अब इसको लेकर बीजेपी टीएमसी के बीच सियासी जंग भी देखी जा रही है। इसके अलावा राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप कर एक SIT भी बना दी है। संदेश खाली का पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। वेस्ट बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपखंड में स्थित संदेश खाली इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। यहां किसानों की जमीन पर कब्जा करने से लेकर महिलाओं के साथ अत्याचार तक बड़े पैमाने पर लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। और इस तरह की हरकत को अंजाम देने के लिए यहां एक गैंग सक्रिय था जिसका सरगना वही शाहजहां शेख है, जिसने ईडी की टीम पर जानलेवा हमला करवाया था। इस मामले में दो आरोपी तो पहले ही पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। मुलजिम एक शाहजहां शेख टीएमसी नेता, संदेश खाली का मुख्य आरोपी अब तक फरार। मुलजिम दो शिबू हजारा टीएमसी नेता, 8 दिनों की पुलिस रिमांड। मुलजिम 3 उत्तम सरकार टीएमसी नेता। संदेश खाली मामले में गिरफ्तार पहला आरोपी। वेस्ट बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के इन तीनों नेताओं के इर्द गिर्द संदेश खाली का पूरा किस्सा जुड़ा हुआ है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यही है कि इस मामले का असली कसूरवार शाहजहां शेख आखिर कहां है। बंगाल की पुलिस उसको तलाश क्यों नहीं कर पा रही है? क्या उसको कोई पनाह मिली है जो पनाह सियासी हो सकती है? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बंगाल की सियासत में अपराधियों को संरक्षण मिलना कोई पहली बात नहीं है। हिंसा यहाँ के DNA में दिखाई देती है। इस मामले में संदेश खाली के मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। बवाल तेज हुआ तो TMC सरकार पर हमला भी तेज हुआ। BJP ने इसको जैसे मुद्दा बनाया तो पुलिस को भी हरकत में आना पड़ा। पहले उत्तम सरकार और उसके बाद शिबू हजारा को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पकड़ से बाहर ही बना रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस का दावा है कि 6 फरवरी से पहले उसके पास कोई शिकायत नहीं आई थी। पुलिस की तरफ से 10 महिला अफसरों की एक SIT गठित कर दी गई। पुलिस तक पहुंची शिकायत के मुताबिक गरीब और मजबूर लोगों की जमीनों को हड़पने का आरोप है, लेकिन इल्जाम इससे भी ज्यादा संगीन है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने जो आप बीती सुनाई उसे सुनकर आप कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उस किस्से को सुनकर आपका दिल दहल सकता है। महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर अत्याचार करने, यौन उत्पीड़न करने, जबरन जमीन कब्जाने जैसे आरोप लगाए हैं। एक महिला ने तो यहां तक कहा है कि TMC के लोग गांव में घूम कर घर घर जाकर चेक करते हैं, सुंदर महिलाओं की तलाश करते हैं। इसके बाद घर में अगर कोई सुंदर महिला या लड़की दिख जाती है तो TMC नेता शाहजहां शेख के लोग उसे अगवा कर ले जाते हैं। उसे पूरी रात अपने साथ पार्टी दफ्तर या किसी अन्य जगह पर रखकर हवस का शिकार बनाते हैं। अगले दिन उसके घर के सामने लाकर छोड़ जाते हैं। ये मामला जैसे ही सामने आया तो राज्यपाल ने तुरंत संज्ञान लिया और खुद संदेश खाली पहुंच गए। उन्होंने बताया कि संदेश खाली में जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला है। बहरहाल महिला आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा भी कर रही है। शाहजहां शेख बांग्लादेश की सीमा पर स्थित संदेश खाली में मछली का व्यवसाय करता है। वो 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। वो पहले ईंट भट्टे पर मजदूरी किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने यूनियन में अपनी पैठ बना ली। साल 2004 में ईंट भट्टा यूनियन के नेता के रूप में राजनीति में कदम रखा। इसके बाद वो CPIM इकाई में शामिल हो गया। अपने उग्र भाषणों, संगठनात्मक कौशल की वजह से TMC नेतृत्व का उसकी ओर ध्यान गया। तब तक वो संदेश खाली का भाई बन चुका था। साल 2012 में
टीएमसी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रिया मलिक की मौजूदगी में वो टीएमसी में शामिल हो गया। टीएमसी सत्ता में आई तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। साल 2018 में साइबेरिया अग्रघाटी ग्राम पंचायत के उपप्रमुख के रूप में पहचान मिली। वर्तमान में वो संदेश घाली टीएमसी इकाई का अध्यक्ष है। वो पारिवारिक और भूमि विवाद सुलझाने के लिए लोकप्रिय है। स्थानीय लोग उसका मसीहा और बाहुबली तक मानते हैं। लेकिन संदेश खाली वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर 24 परगना जिले में बशीरहाट उपखंड में आती है। ये बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहाँ अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। पिछले महीने जब तृणमूल कांग्रेस के नेता टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम ने रेड मारी तो उसके इशारे पर लोगों ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया था। उसके बाद से ही वो और संदेश खाली सुर्खियों में बना हुआ है। अब सवाल यह है कि वो पकड़ा कब जाएगा और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने संदेश खाली में अब तक क्या कुछ हुआ है वो सारी चीजें समझी है। कौन मुलजिम है, कौन फरार है, किसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये पूरा मामला आखिर क्या है, पॉइंट टू पॉइंट तरीके से आगे आपको समझाते हैं। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख समेत टीएमसी के कई नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा करने के आरोप लगाए। इस आरोप के बाद शाहजहां के समर्थक सड़कों पर भी उतरे, जिसमें तनाव और ज्यादा बढ़ गया। संदेश खाली में हिंसा की शिकार हुई एक महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस शाहजहां शेख उसके साथियों को कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, संदेश खाली की महिलाओं ने बताया कि बलात्कार को साबित करने के लिए हमसे मेडिकल रिपोर्ट मांगी जा रही है। गांव की महिलाएं कैसे आगे आकर कह सकती हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, हमने चुनाव के बाद से सांसद नुसरत जहां को नहीं देखा है। सांसद नुसरत जहां भी काफी ज्यादा ट्रोल हुई है इस पूरे मामले को लेकर। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जिला परिषद का सदस्य शेख शाहजहां मुख्य अपराधी है, वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है। यहाँ तक कि महिलाएं पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। हम महिलाओं को बाहर जाने से डर लगता है, हम सुरक्षा चाहते हैं। वो महिलाओं को पार्टी कार्यालय में ले जाते हैं और सुबह उन्हें छोड़ देते हैं। रिपोर्ट में भी आपने सुना, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली को लेकर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उन्होंने सोमवार को अशांत इलाके का दौरा किया था और आंदोलनकारियों से बात भी की थी। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शाहजहां शेख और उनके साथियों का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बजाय स्थानीय लोगों को उनके साथ समझौता करने का निर्देश दे रही है, जो पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की रिपोर्ट को लेकर टीएमसी ने उनकी आलोचना की। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने उन पर पक्षपातपूर्ण राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया। राज्यपाल का बयान पूरी तरह से निराधार है, पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। तो ये राजनीति अभी इस पूरे मामले पर होती हुई नजर आ रही है। संदेश खाली घटना की जांच के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक हाई लेवल मीटिंग का गठन किया। केंद्र मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में बनाई गई इस कमेटी में प्रतिभा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और बिजलाल शामिल है। ये कमेटी घटनास्थल पर जाकर हालातों का जायजा ले रही है और पीड़ितों से बात भी हो रही है। जांच के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप सकती है। संदेश खाली मामले में जांच के लिए बीजेपी ने अब एनआईए जांच की मांग की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये सब ममता बनर्जी के कहने पर किया जा रहा है और एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांता मजूमदार के साथ जो हुआ उसकी पूरी देश में निंदा हो रही है। विपक्ष के नेता के रूप में मैं निंदा करता हूं, जिस तरह से राज्य पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ व्यवहार किया, हम इसका विरोध करेंगे। बंगाल सरकार की ओर से भी संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्य टीम बनाई गई थी। ये टीम संदेश खाली का दौरा कर रही है और महिलाओं से भी बात कर रही है जिन्होंने आरोप लगाया उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। वहीं संदेश खाली मुद्दे पर स्मृति ईरानी ने कहा था कि संदेश खाली की हिंदू महिलाएं मदद मांग रही हैं। टीएमसी नेता शेख शाहजहां कहा है ममता उनकी सरकार से लोग भी उनके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। रानी दावा करती हैं कि महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर पुलिसकर्मी भी मूक बने रहे हैं। संदेश खाली हिंसा के विरोध में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार बुधवार को वहां पर गए थे, जहां पुलिस के साथ हुई झड़प में वो जख्मी हो गए। उन्हें बशीरहाट मल्टी फैसिलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी कर दिया था। इससे पहले मजूमदार ने आरोप लगाया था कि बंगाल पुलिस ने उन्हें उत्तर 24 परगना जिले के
अशांत संदेश खाली जाने से रोकने के लिए उनके लॉन्च की घेराबंदी कर दी थी। मजूमदार ने प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए दोपहर के बाद संदेश खाली जाने का ऐलान भी कर दिया था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि संदेश खाली में हुई घटनाओं के बारे में लोगों को गुमराह करने के लिए मीडिया के एक वर्ग द्वारा जानबूझकर गलत सूचना फैलाई जा रही है, लेकिन आज सच सबके सामने है। ये दोहराया गया कि राज्य महिला आयोग डीआईजी सीआईडी के नेतृत्व वाली 10 सदस्य टीम और जिला पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान अब तक महिलाओं के साथ बलात्कार के बारे में कोई आरोप नहीं मिला है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचेंगे तो महिलाओं की जो बातें निकल कर सामने आ रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो वाकई चौंका देने वाली है। हाल ही में संदेश खाली के दौरे के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधियों ने भी इसकी पुष्टि करते हुए उनसे पूछताछ के दौरान स्थानीय महिलाओं के साथ बलात्कार की शिकायत ना मिलने की बात कही थी, लेकिन अब जो है वो बातें कुछ और निकल कर सामने आ रही है। सभी आरोपों और शिकायतों की विधिवत जांच की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। ये भी स्पष्ट किया जाएगा कि निराधार गलत सूचना फैलाने के लिए कुछ वर्ग जो कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार उन्हें बासरहाट नहीं जाने दे रही है। इसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था कि वहां तुरंत 144 लगा दी जाए। अब सवाल यह है कि वहां पर ले जाया क्यों नहीं जा रहा है, वहां पर रोकने की कोशिश क्यों हो रही है, और साथ ही साथ यहां पर एक बयान भी कहीं ना कहीं सामने आया, उस बयान को भी हम आपको सुनाएंगे। वहां रेखा शर्मा पहुंची थी और उन्होंने जो मीडिया के सामने बातें रखी वो हम आपको सुना रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर कहा, मुझे लगता है उनको रिजाइन कर देना चाहिए और बिना एक पोस्ट के अगर वो यहाँ आए तो महिलाओं का दर्द समझ पाएंगी। इससे पहले मैंने इतना दर्द कहीं नहीं देखा, मुझे नहीं पता। ट्वीट पे और इस पे मत जाइए आप, जमीनी जो प्रॉब्लम है महिलाओं को वो सुनिए और समझिए। टाइम मीटिंग डीजीपी चीफ सेक्रेटरी का अभी तक नहीं मिला। हाँ एसपी थे मिला, एसपी थे, एसपी के साथ बात ही नहीं किया, बहुत गुस्से वाला बात किया। बिकॉज ही इज सिटिंग इन द ऑफिस व्हाइल आई एम रोमिंग अराउंड, ही इज नॉट लिसनिंग टू द विक्टिम्स हिमसेल्फ। तो इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीर संदेश खाली की नजर आ रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी संदेश खाली का नाम सुना नहीं होगा, पहली बार नाम सुन रहे होंगे। मामला ही कुछ ऐसा है, एक नेता कुछ कहीं ना कहीं फिल्मों में जैसा होता है कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। महिलाओं पर अत्याचार करता है, उनके जमीन पर कब्जा करता है, घर घर ये लोग जाते हैं, महिलाओं को ढूंढते हैं, जो सबसे खूबसूरत महिलाएं लगती हैं या जो लड़की लगती है उन्हें उठाकर ले जाते हैं, उसके बाद सुबह छोड़ जाते हैं। आप सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। ये लोग अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर ये आदिवासी हैं, कुछ हिंदू महिलाएं भी हैं। आप सोचिए कि इनके परिवारों पर इन पर क्या गुजर रही होगी, इतने सालों से ये दर्द जो ये लोग झेल रहे हैं। जमीन भी जा रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, ईडी पर हमला हो रहा है, कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। ममता क्यों चुप है? ममता तो मशाल लेकर निकलती हैं और कहती हैं कि वो महिलाओं के हित में काम कर रही हैं, वो खुद एक महिला है और बंगाल से उन्हें लगातार प्यार मिलता रहा है उसके बावजूद भी। अब सवाल यह है कि ममता चुप्पी कब तोड़ेंगी। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।